बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में बात करेंगे, और उसमें जो है वो कुछ पार्ट बात करेंगे, कुछ जो है वो हिस्सा बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं सारे फीचर उसके ऊपर बात करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो पीरियड और ग्रुप को डिटेल में देखेंगे, और लास्ट पे जो है पास्ट पेपर देखेंगे। इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड जो पास्ट पेपर आ चुके हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो मॉडर्न पीरियड टेबल की जो बेस थी उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल जो था वो बेस्ड ऑन अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि जो मोजले ने जो प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी उसके मुताबिक जो था वो दोबारा से फिर मेंडलीव के पीरियड टेबल को अरेंज किया गया था, और उसको नाम दे दिया गया मॉडर्न पीरियड टेबल। और उसकी जो बेस थी वो किसके ऊपर थी, एटॉमिक नंबर की बेस थी, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर रहा था वो पीरियड टेबल जो था। ठीक है, मेंडलीव का एटॉमिक मास पे था, मॉडर्न जो था वो एटॉमिक नंबर की बेस पे, दोनों फर्क है। अब उसके बाद जी लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखी है ताकि आप लोग जो है उसको थोड़ा बहुत समझ लें। कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, जो सिग्निफिकेंस है एटॉमिक नंबर की बहुत है। उसकी वजह यह है कि देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। अब ये एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, इसकी कहते हैं एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस ये है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जाएगी वो एटॉमिक नंबर से की बेस पे ही लिखी जाएगी। जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जाएगी वो किस बेस पे लिखी जाएगी, एटॉमिक नंबर की बेस पे ही लिखी जाएगी। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। ये है जी इसकी सिग्निफिकेंस एटॉमिक नंबर की। एक और वर्ड है पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। के प्रोडक्ट पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि जो एक खास इंटरवल के साथ जो जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है वो एलिमेंट जो है वो एक ग्रुप के अंदर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात भी नेक्स्ट करते हैं, जरा देखते हैं। अब लॉन्ग फॉर्म के अंदर एक और बात भी कहता है कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं एलिमेंट की, उनको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे देखिए, तमाम के तमाम जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो तमाम के तमाम क्या है, वो पीरियड है। ठीक है, और कहता है कि चूंकि पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर जो है बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10, एटॉमिक नंबर चूंकि बढ़ रहा है तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही होगी तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी चेंज होगी, और इनका जो है वो इनके लास्ट शेयर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे क्या पता चलेगा वो कौन से ग्रुप में आएगा एलिमेंट। ये बातें थी, ये देखिए ये सारी बातें वही लिखी हुई है, चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंटिन्यूसली, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑल्सो चेंजिंग, एंड डिसाइड द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड। लास्ट शेयर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताएगा कि कौन सा इसमें कौन से ग्रुप में आएगा वो। अब उसके बाद जी नेक्स्ट एग्जाम्पल बता दिया उसने कि अगर तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो टॉप लेफ्ट पे आएगा, अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो टॉप राइट पे आएगा, वो एलिमेंट जो होगा उसका जो है उसकी पोजीशन जो होगी। नेक्स्ट बात करता है जी, कहते हैं कि वर्टिकल जो कॉलम होते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, जो इस तरह जो लाइनें होती हैं, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स है। और कितने ग्रुप है जी, 18 ग्रुप है, 1 से लेके 18 तक है। और इनमें जो होता है कि इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एक खास इंटरवल के साथ जो है वो चेंज नहीं हो रही थी बल्कि इररेगुलर वे से चेंज हो रही थी। देखिए जरा यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 19 है, 37 है, 55 है, 87 है। तो देखिए यहाँ पे इररेगुलर वे से जो है वो इनका एटॉमिक नंबर जो है बढ़ रहा है। जब इररेगुलर वे से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जैसी होगी, उसकी वजह इनके लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर नहीं देखना चाहते हो देख ले जरा, लिथियम के पहले शेल में 2, लास्ट शेल में 1 आएगा। स्विंग के पहले शेल में कितने आएंगे, 2, दूसरे 8 और तीसरे में 1 आएगा। तो दोनों में देखिए लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सेम होगी तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, और इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से ये एक ही फैमिली कहलाएंगे। यहाँ पे लेक्स उसने बता भी दिया है, सिमिलर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे। और मिसाल के तौर पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप 1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ग्रुप 2 होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की। अब इनमें फीचर में सबसे पहले जो बात आती है, फीचर मतलब खसूसियात जो है इस पीरियडिक टेबल की, क्या क्या खसूसियात है।
तो उसमें वो कहता है कि इसमें सेवन हॉरिजेंटल रोज क्या नाम है, रोज उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, सेवन हॉरिजेंटल रोज है, देखे जरा, पहला पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, सात पीरियड है और सेवन हॉरिजेंटल रोज जो है ये हमारे पास सात पीरियड कहलाते हैं जी हमारे पास ये। अब उसके बाद जी अब कहता क्या है, कहते हैं कि जो पहला पीरियड है, पहला पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड है, दो एलिमेंट है उसमें, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है, दूसरे में कितने हैं, आठ हैं, दूसरे और तीसरे में आठ आठ हैं, और चौथे और पांचवे में कितने हैं, अठारह अठारह हैं, और छठे और सातवें में बत्तीस बत्तीस हैं। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, ये देखिए तीन से लेके यहाँ पे दस तक है, ये तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये कितने हो गए, मतलब क्या है, इतने इसमें आठ एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड में, तीसरे में भी आठ हैं, चौथे में काउंट करेंगे, चौथे में चूंकि डी वाला भी आ जाएगा, डी ब्लॉक भी आ जाएगा, तो इसमें ये भी शामिल होंगे, तो अठारह हो जाएंगे, पांचवे में अठारह हो जाएंगे, लेकिन छठे और सातवें में, छठे में किस तरह जो है बत्तीस होंगे, चूंकि ये देखिए 57 से आगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 58 ये सारे ये भी काउंट हो गए, 51 के बाद जो है दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाले काउंट हो गए, इसी तरह यहाँ पे 89 के बाद जो है नीचे आएंगे, और नीचे 90 के बाद ये सारे काउंट हो गए, और 1303 के बाद 104 ये यहाँ से स्टार्ट हो गए, और ये भी जो है इसमें काउंट होंगे। तो इस तरह जो है इनके जो है वो लास्ट वाला जो 32 सेवन वाला है उसमें 32 भी आएंगे, और उसके साथ क्या आएगा, वो अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट है, अभी इसमें जगह मौजूद है, ठीक है, इनकम्प्लीट अभी वो ग्रुप पीरियड जो है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि चूंकि ग्रुप के अंदर जो पीरियड के अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट इसकी जो है वो कहते हैं कि 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, देखिए पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह 12 13 14 15 16 17 और 18 कॉलम है इसमें, और 18 कॉलम के अंदर जो है वो कहते हैं एक से लेकर 18 तक है, और उनको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप का नाम देते हैं, ये जो लाए ये हमारे पास क्या है, सारे के क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर जो है जो अभी पीछे बात की है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उनके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, अगर पहला ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर दूसरा ग्रुप है उसके लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सातवां है तो उसके लास्ट शेल में सात होंगे, आठवां ग्रुप है तो उसके आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनकी आपस में जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ग्रुप वाइज जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, ठीक है, इस वजह से उनको एक ही फैमिली भी कहा जाता है, और आगे हम फैमिली का जिक्र भी करेंगे। उसके बाद उसने कहा कि इनकी जो है वो इनको चार बड़े डिवाइड किया जाता है, चार ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, चार ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, वो उनमें जो है वो एस पी डी और एफ ब्लॉक होते हैं, एस पी है, डी है और एफ ब्लॉक है, किस बेस पे, इन सब शेल की बेस के ऊपर इनको डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग जो है वो उनको क्या ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सब शेल, एक खास सब शेल, मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जिस सबशेल के ऊपर वो कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट होने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका ब्लॉक जो होगा वो उसी के नाम से जाहिर होगा, मतलब अगर एस ब्लॉक में अभी इलेक्ट्रॉन एक है या दो है, एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया है या अभी इनकम्प्लीट है, तो वो अगर वो लास्ट शेल में एस आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारे पास एस ब्लॉक होगा। और इस तरह हमारे पास फोर ब्लॉक है जी हमारे पास, उनमें जो है देखिए जरा, पहला ये देखें, पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक में आता है, तीन से लेके आठ तक या तेरह से लेके अठारह तक जो है पी ब्लॉक आता है, और दरमियान वाला जो होगा पी और एस और पी के दरमियान जो होता है वो डी होता है, और नीचे जो होता है वो एस ब्लॉक होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, लिथियम है सोडियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर तीन होता है, सोडियम का 11 होता है, तो इसमें 1s2 और 2s1 है, तो देखें एस में अभी इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे देखिए 1s2 है, 2s2 है, 2p चार और ये पांच है, चार और पांच छह आएगा, और यहाँ पे 3s1 आएगा, ये देखिए ये भी s है, तो पहले दोनों ग्रुप, पहले दोनों एलिमेंट जो है वो क्या आ रहे हैं, वो s में जो है वो आ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ये s ब्लॉक होगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बोरोन की बात कर ले, तो बोरोन हमारे पास 5 होता है, बोरोन 5 होगा तो इसका 1s2 है, 2s2 है और 2p1 आएगा, देख लें चार और पांच इलेक्ट्रॉन है, पांचवा p जो है p में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, p सबशेल होगा, ये यहाँ पे आ रहा है बोरोन, यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारे पास जो है अगर पहला पहला ग्रुप होगा, दूसरा होगा, उसमें जो है वो एस ब्लॉक में आएगा, क्योंकि वो
एस के ऊपर उसके सब खत्म हो रहे हैं या इनका अभी प्रोसेस में है। अगर 13 से लेकर 18 तक जो है जितने भी एलिमेंट है उनमें जो होगा वो पी सबशेल होगा, इसलिए हम पी ब्लॉक कहते हैं। और डी ब्लॉक में क्या होता है, दरमियान वाला एस और पी के दरमियान वाला जितने भी एलिमेंट्स हैं 13 से लेकर 12 तक जो है जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक कहलाते हैं, और उनको हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है, जिनमें डी जो सबशेल होता है वो पार्शली फिल्ड होता है। यहाँ पे बता भी दिया है, पहले पीरियड के अंदर 1s1 होगा, दूसरे में 1s2 होगा, तीसरे में 2s1 होगा, 3s1 होगा, 4s1 होगा, ये सारे के सारे लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन सब शेल कौन सा होगा, वो s सब शेल होगा, इनमें d होगा, इनमें p होगा, और इनमें f सब शेल के ऊपर जो है वो लास्ट जो वैलेंस शेल है वहां पे इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा, इन प्रोसेस में होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पीरियड की बात करें, पीरियड जो होता है डिटेल में बात करते हैं तो पीरियड कौन से होते हैं, पीरियड हम आप ही हम देख के आए हैं। पीरियड जो होते हैं वो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं हम उनको पीरियड का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज है, सारे के सारे क्या है, पीरियड है, कितने पीरियड है जी, हमारे पास 7 पीरियड है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, 7 पीरियड है, ठीक है, देख लें, पहला पीरियड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा पांचवा है, छठा और सातवां, 7 पीरियड है इसमें। अब 7 पीरियड में पहला पीरियड जो होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो होता है वो नॉर्मल पीरियड होते हैं, क्योंकि उनमें दोनों में 8 8 एलिमेंट आ रहे होते हैं। दूसरे में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरे में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन और नियोन है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो तीसरे में भी हमारे पास जो है वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन है। इसी तरह से हमारे पास जो है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है उनमें 18 18 एलिमेंट आते हैं जी, हमारे पास 18 18 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास 6 और 7 होता है उनमें 32 32 आते हैं। तो यहाँ पे ये देख भी लें, वो पहले में कितने आते हैं, 2 एलिमेंट आते हैं, 1 और 2 है, और 2 के अंदर अगर आप लोग 8 ऐड कर दें, 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और अगर 10 के अंदर 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18 आएगा, और अगर हमारे पास 18 के अंदर 18 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 36 है, और 36 के अंदर अब अगर आप लोग कितने ऐड कर देंगे, 32, तो 32 ऐड करेंगे तो 54, और फिर 32 ऐड करेंगे तो 86, अरे नहीं, ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे 18 ही आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 32 आएगा। तो इस तरह जो है 8 8, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18 18, चौथा पांचवा 18 18, और छठा और सातवा 32 32 एलिमेंट आएंगे, पीरियड की बात कर रहे हैं हम। तो ये आप उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो है वो ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप हमारे पास कितने हैं, 18 ग्रुप है, 1 पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह हमारे पास कितने, टोटल 18 ग्रुप है, और 18 हर ग्रुप के अंदर जो है वो क्या है, हमारे पास जो है वो डिफरेंट एलिमेंट मौजूद है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पहले ग्रुप के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आता है और उनको हम कह देते हैं NS1 है, और ये कौन से होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं। फैमिली का नाम क्या होगा, अल्कली मेटल होगा, चूंकि तमाम के तमाम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है, मतलब उनके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए वो एक फैमिली बन जाती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। और देखिए यार, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा था NS1 का मतलब, N का मतलब होता है शेल, और S का मतलब क्या होता है, सब शेल, और 1 जो है रिप्रेजेंट करता है लेवन को। तो अगर किसी ग्रुप के किसी भी 1 इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखिए अगर हम उसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमारे पास पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो लेकिन ये वाला जो है इसकी हम लिखते हैं, जरा इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इसरा लिखेंगे, 1s1 NS1 लिखेंगे, मतलब क्या है, पहला पहला शेल है और पहला ही सब शेल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए होता है। इसके बाद जी हमारे पास से लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हमारे पास, इसको हम लिखते हैं तो हमारे पास पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, NS2 और NP1 आएगा, ये हमारे पास जो है इस तरह जो है उसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, हमारे पास जो 2 किस में आएंगे, इसमें बेरिलियम में आएगा। बेरिलियम की एग्जांपल लेते हैं, जरा देखें जरा बेरिलियम की, वो लिथियम वाले एग्जांपल थी, वो पहले वाले के लिए ही थी, उसमें पहले वाले की तरह उसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। बेरिलियम की एग्जांपल लेंगे तो बेरिलियम में कितने आते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, तो उसमें क्या आएगा, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो लास्ट शेल वाले के लिखेंगे कैसे लिखेंगे, NS2 लिखेंगे।
इस तरह का बोरोन के लिए अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बोरोन के एक एक एग्जांपल सारे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए। तो बोरोन में हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1 आएगा। तो पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में कितने आएंगे, 3 आएंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह लिखे जाएंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन को उसमें हम फैमिली की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, NS2 और NP1 लिखेंगे। समझ आ गई बात। और इसी तरह से हमारे पास कार्बन में 6 आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, 2 आ जाएगा। नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पे 5 आ जाएगा। और तो देखें 2 और 5 कितना होगा, 5 और 2 7, और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। और इसी तरह से जो है ये जो है सारे के सारे जो है वो कंटिन्यू होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जो पहले वाला ग्रुप होगा उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। दूसरे वाला ग्रुप होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तीसरा जो है, चूंकि बोरन से स्टार्ट हो रहा है, बोरन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरिन फैमिली, और उसके बाद जो है हमारे पास क्या आएगा, नियॉन फैमिली, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सारे के सारे हमारे पास जो है सारे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बात करते जी हमारे पास जो है वो हेलोजन। हेलोजन किस तरह, हेलोजन कौन सा ग्रुप होता है, सातवां ग्रुप होता है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर। तो ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट फॉर्मर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेलोजन फैमिली कहते हैं। और नोबल गैसेज होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो किसी के सरेक्ट नहीं करती, और तमाम के तमाम जो है वो आपस में बॉन्डिंग बना के नोबल गैसेज जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी बात पढ़ेंगे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किस लिए बताया गया है, ये उनके लास्ट शेल में मौजूद होते हैं। और ये ग्रुप नंबर है, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी किसी के लास्ट शेल में उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। मतलब अगर किसी के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो आप कौन सा ग्रुप होगा, वो आप लोगों के पास कार्बन वाला ग्रुप होगा, कार्बन कह रहा हूँ, उसके ऑक्सीजन वाला ग्रुप होगा, उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लास्ट शेल की बात कर रहे हैं, पहले वाले की नहीं बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन में देखे ना 8 है, तो 1s2, 2s2, 2p6 है, कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे हमें 10 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट शेल में, तो वो कौन सा ग्रुप होगा। तो हमारे पास वो कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे देख लें, ऑक्सीजन वाला कौन सा ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, देखें ग्रुप नंबर भी 6 है। तो इस तरह जो है ये कुछ चीज़ें समझने वाली, कंक्लूड करते हैं अगर हम अपने टॉपिक को। तो देखिए सिग्निफिकेंस में क्या बताया था उसने कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ग्रुप के बारे में पढ़ा था, ग्रुप हमारे पास कितने होते हैं जी, ग्रुप हमारे पास जो है 1 से लेकर 18 होते हैं। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या आ रही होती है, इनरेगुलर वे से बढ़ रही होती है, और उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। पीरियड के अंदर बात करते हैं, तो पीरियड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रही होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही होती है, और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा होता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही होती है। उसके बाद साइलेंट फीचर पढ़ी हमने, साइलेंट फीचर के अंदर हमने बात की कि 7 पीरियड होते हैं, और हर पीरियड के अंदर जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंजेस होती हैं। ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ग्रुप हमारे पास 18 होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, SPDF ब्लॉक होते हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियड और ग्रुप को हमने डिटेल में देखा, उनकी टेबल को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास पास्ट पेपर है, तो पास्ट पेपर को कहते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जी, लिथियम है, ब्रिलियम है, 4 है, उसके बाद बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरिन 9 और नियॉन 10। ये आप लोगों के पास उसका सेकंड पीरियड, उनके नाम बताने हैं, 2018 में सवाल आ चुके हैं। उसके बाद है जी वाइज एलिमेंट आर कॉल्ड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके जो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एस में कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, या उनका एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी के अंदर इन प्रोसेस होगा या कंप्लीट होगा, तब तो उसको क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। मतलब उनका जो है वो सब शेल होगा जहाँ जिस सब शेल जो जिस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वही उसका ब्लॉक होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एंड पीरियड, तो ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं आप लोगों ने बताने। इसी तरह ये वाला सवाल भी सेम पूछा गया है, डिफरेंट तरीके से पूछा गया, आंसर सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, 1s2, 2s2 और 2p2। फैमिली की बताने है, कार्बन की नहीं बतानी। तो फैमिली की बताएंगे तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, NS2 और NP2 आएगा।
टोटल 6 है ना, तो उसमें दोनों में इस तरह जो है ये फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। उसके बाद ये डिस्कस करना है साइलेंट फीचर का, लॉन्ग क्वेश्चन आया 15 में 14 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी व्हाट आर एलिमेंट अरेंज इन ग्रुप 3 to 12, तो 3 से लेकर 12 तक कौन कौन से एलिमेंट अरेंज है। देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है ये 10 तक है, 10 के बाद हम सोडियम आ जाएगा 11, और उसके बाद मैग्नीशियम हो गया 12। तो इस तरह जो है ये एलिमेंट आएंगे, इन एलिमेंट नाम लिखने होंगे आप लोगों ने और बताना होगा। उसके बाद जी ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ग्रुप को आप लोगों ने डिटेबल बनाना है, उसको डिटेल से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है जी व्हाई द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, सेकंड लास्ट एटम इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम जो है अब सिंपल आप लोगों ने बताना है, चूंकि शेल बढ़ रहे होते हैं। देखें जरा लिथियम की बात करें तो लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लास्ट शेल में 2 सब शेल, 2 शेल आते हैं। सोडियम की बात करें तो